हेलो बच्चों, तो अगला जो हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, हमें पांच रैशनल नंबर बताने हैं जो क्या हो -2 से बड़े हों। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये निकालने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आपको नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। अब यहाँ पे -2 हो गया हमारे पास। तो देखिए, -2 यहाँ पे होता है, और -2 से बड़े वाले नंबर कौन से होंगे, उसकी जो राइट हैंड साइड पे पड़े हैं। तो राइट हैंड साइड पे देखिए कौन सा नंबर पड़ा है, -1 पड़ा है, 0 पड़ा है, 1 पड़ा है, 2 पड़ा है, 3 पड़ा है, 4 पड़ा है, 5 पड़ा है, जितने मर्जी लिखते चलो यार। तो ये सभी क्या है हमारे पास, नंबर्स हैं, रैशनल नंबर जो ग्रेटर है -2 से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सेवन्थ। तो सेवन्थ में क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि हमको 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 3/5 एंड 3/4। अब इनके बीच में वो बोलता है कि 10 चाहिए हमको। तो बहुत ही आसान है, देखिए 10 कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेना है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 के साथ और इसको 5 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12/20 एंड 15/20। बट यहाँ से हमारे पास तो दो रैशनल नंबर्स ही आएंगे, कौन कौन से, 13/20 एंड 14/20। बट हमें तो 10 चाहिए, तो 10 निकालने के लिए बोलो बेटा क्या करोगे, हम क्या करेंगे, आपको बताया गया है हम क्या करेंगे, उनको 10 10 से मल्टीप्लाई, दैट इज इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई और इसको भी हम 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर फिर भी कम पड़ते हैं तो आप 20 से कर दो, फिर भी कम पड़ रहे हैं तो 30 से कर दो, ठीक है। तो देखिए, ये बन जाएगा 120/200 और ये बन जाएगा 150/200। देखिए बहुत आसान है। उसके बाद 120 और 150 के बीच में हम कितने नंबर, 29 फाइंड कर सकते हैं, हम तो 10 बोले हैं ना। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200, 126/200, 127/200, 128/200, 129/200, उसके बाद 130/200। तो ये हो गए हमारे पास 10 हो गए। आप अगर इसे ज़्यादा भी बोलता तो आप इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हो, ठीक है। एक बात और बच्चों, ध्यान से देखो, अगर इन केस हमारे पास कुछ ऐसा बन जाता है कि हमारे पास 10/11, हम ऐसा नंबर ले लेते हैं, 7/8, हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास पड़ा है 2/1/3 और 2/3। अब इन दोनों के बीच में हमको 10 नंबर निकालने हैं। तो देखिए, जब हम इनके दोनों के बीच में 10 निकालेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/30 आ जाएगा, और यहाँ पे 20/30 आ जाएगा, तो ये आ जाए। बट इनके बीच में अगर आप फाइंड करोगे तो आपको सिर्फ 9 ही मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिए, इसको क्वेश्चन को पूरा ही कर लेते हैं, हम एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए, हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं 10 रैशनल्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3। तो देखिए, आपको 10 निकालने हैं ना, तो 10 अगर आपको 10 चाहिए तो जो मल्टीप्लाई आपको करना है तो आपको 10 से बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इन दोनों के बीच में हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। जब आप इनको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10/30 और 20/30। बट जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, आपको इन दोनों के बीच में सिर्फ 9 ही मिलेंगे। अगर ये फिर से हमारे पास कम आ रहे हैं तो आप दोबारा से इनको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए।
अगर ये करने के बाद भी कम आ रहे हैं तो दोबारा से 10 के साथ कर दो, तो ये आ जाएगा 100/300, ये आ जाएगा 200/300। अब आप आराम से इन दोनों के बीच में जितने चाहो उतने बेटा रैशनल नंबर्स लिख सकते हो। ऐसे ही करते करते हम यहाँ तक 10 रैशनल नंबर लिख लेंगे, ठीक है। तो मेथड आपको अच्छे से समझ, जब भी कम पढ़ रहे हो मल्टीप्लाई 10 10, दोबारा से जितनी बारी ज़रूरत पड़ी उतनी बारी हम इसको 10 10 के साथ मल्टीप्लाई कर उसके बीच में इन्फाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स हैं वो ढूंढ सकते हैं। तो होप सो आप सभी को बेटा रैशनल नंबर्स वाला जो ये चैप्टर था वो समझ में आया होगा। तो आज ये चैप्टर जो है हमारे पास वो कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी के ऊपर। बट इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं जो हमसे हमारी आरएस अग्रवाल की बुक होती है, आरडी शर्मा होती है, अगर आपको वो क्वेश्चन भी चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, तभी ही उनके मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो अलग से अपलोड करूँगा। कि इसके अलावा जो जितने भी अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आपको करवाऊँगा। बट उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियोस को लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रेंड के साथ शेयर करना होगा। और जिनको भी चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में हमारे को इस लेक्चर के लास्ट में, हमें सिर्फ इसी वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन कर बताना पड़ेगा कि सर हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आरडी शर्मा में हैं, आरएस अग्रवाल में हैं, वो नहीं हो रहे, वो भी हमको करवा दीजिए, तो मैं आपको वो भी करवा दूंगा, उसके अलग से लेक्चर में वो डलवा दूंगा। ओके, तो बेटा पढ़ते रहो। अब एक बात हो ध्यान रखना, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की, तभी आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगा जिन भी बच्चों का वीक है। और जिन बच्चों का मैथमेटिक्स वीक है तो उन सभी के लिए मैं एक बेसिक कोर्स तैयार करने वाला हूँ जिसमें आपके पास बिल्कुल बेसिक से लेकर प्लस माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन से लेकर प्रॉपर उसमें बेसिक जहाँ जहाँ पर बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, वो सब कुछ आपको एक बेसिक कोर्स है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ बच्चों आपको लिए कि आप अच्छे से मैथमेटिक्स को सीख पाएँ, तो आपको भी मेरे से दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको मैथमेटिक्स में 100 out of 100 चाहिए। ओके, तो बच्चा लॉक पढ़ते रहना और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की।